जो दो प्रारूप है, पहला है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो कि पारंपरिक शैली है और आज का जो दौर है वो आधुनिक मार्शल आर्ट्स का है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि वो पारंपरिक शैलियों में बहुत लंबा समय दे सकें। आजकल समय बहुत कम है तो लोग कम समय में ज़्यादा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। उसी के तहत जीत कुनेडो एक ऐसी शैली है जिसको मार्शल आर्टिस्ट और फिलोसोफर एवं हॉलीवुड एक्टर ब्रूस ली ने डिज़ाइन किया था 1967 में और तब से लेकर आज तक ये तमाम देशों में फैल चुकी है और लगातार इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और इसके जो तरीके हैं वो बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके मूवमेंट्स हैं जो कि सीखने, सिखाने और अप्लाई करने में बहुत ही ईजी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसी कड़ी में हम लोग मथुरा ज़िले में 3 फरवरी को इंटर डिस्ट्रिक्ट जीत कुनेडो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें मथुरा में यहाँ पर हम जीत कुनेडो मार्शल आर्ट से यहाँ के लोगों को रूबरू करवाएंगे, यहाँ के मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को, यहाँ की जनता को। तो मेरा यही आह्वान है कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इसको अप्रिशिएट करें। देखिए, ऐसा नहीं है, ब्रूस ली जो थे वो विंग चुन शैली के योद्धा थे और विंग चुन के बहुत ही महारथी थे और विश्व के विंग चुन के जो सबसे महान जो मास्टर हैं, मास्टर हिटमैन जिनके ऊपर फिल्में ही बनाई जा चुकी हैं, उनके वो शिष्य थे। लेकिन ब्रूस ली ने अपने जीवन काल के दौरान सिर्फ 33 साल तक वो जीते, 33 साल के उन्होंने समय में कम से कम 50 मार्शल आर्ट शैलियों का अध्ययन किया और उन 50 शैलियों में उन्होंने जो सबसे बेहतरीन टेक्निक्स जिन मार्शल आर्ट्स की उनको लगी उनको निकाला और उनको मिलाकर एक सिस्टम बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया जीत कुनेडो। जीत कुनेडो आज स्पेशल फोर्सेज में, पुलिस फोर्सेज में, सेमी फोर्सेज में और सभी फोर्सेज में सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है। उसके अलावा जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा जीत कुनेडो मार्शल आर्ट्स फैली। महिलाओं को इस आर्ट से बेनिफिट ये है कि जैसे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में अगर हमें कोई अप्लाई करना है, कोई हमारे साथ कोई स्ट्रिक्ट असॉल्ट हो जाए तो उसमें हम पारंपरिक शैलियों को आजमा नहीं सकते, लेकिन जीत कुनेडो मार्शल आर्ट्स एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जिसको बोला जाता है डोंट फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, यानी बिना लड़े लड़ने की कला। इसमें ऐसी चीज़ें हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनको हम बहुत ही ईजी अप्लाई कर सकते हैं। और हम बैठे हैं तो बैठ कर, लेटे हैं तो लेट कर, खड़े हैं तो खड़े, कोई इसका ड्रेस कोड नहीं है, ये मॉडर्न मार्शल आर्ट्स है, यानी हम जहाँ हैं वहीं से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, वहीं से हम मुकाबला करना शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उस टूर्नामेंट में आएँ, वहाँ आकर उस कला को देखें, क्या उसकी बारीकियाँ हैं, क्या उसका सिस्टम है, इस सभी को देखें और उसको अपनाएं अपने जीवन में और सुरक्षित रहें। सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, बस मैं यही आह्वान करना चाहूँगा।